हेलो दोस्तों, दिस इज रम्मी राइडर फ्रॉम एनसीआर मोटरसाइकिल। दोस्तों आज की जो वीडियो है सेल्फ के ऊपर है, जो सेल्फ का बैरिंग खराब होता है बहुत ज़्यादा रॉयल एनफील्ड का। सबसे ज़्यादा मेरे पास कॉल आने लगी है आजकल सेल्फ की, पता नहीं क्यों, एक सीजन चलता है तो अभी जो टाइम चल रहा है सबसे ज़्यादा कॉल आ रही है वो सेल्फ की। सेल्फ का बैरिंग खराब हो गया, अब वो कोई कस्टमर जाता है शोरूम पे, सर्विस सेंटर पे या किसी मैकेनिक के पास, तो उसका एक आंसर होता है कि भाई 4700 से 5000 रुपये का खर्चा है सेल्फ के बैरिंग का, जो कि सही बात है, इतना है। बट दूसरा भी ऑप्शन है, होता है हमारे पास करने का, तो वो क्या है, अभी मैं अपनी बाइक का थंडरबर्ड जो है मेरे पास, तो उसका सेल्फ अभी तक ठीक चल रहा है, बट आपको दिखाना है कि वो ख़राब कैसे होता है। आप चाहें तो अपनी बाइक का सेल्फ का बैरिंग, मतलब सेल्फ को 10 साल तक ख़राब नहीं होने दे सकते, और चाहें तो एक महीने में ख़राब हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसका मैं रास्ता आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको मेंटेन करनी है, वो कैसे स्टार्ट करनी है, कैसे सेल्फ लगाना है। और मैं अपनी बाइक का अभी सेल्फ का बैरिंग बिल्कुल परफेक्ट है, बट वो आपके सामने ही खराब होगा कुछ ही मिनटों के अंदर। कैसे होगा देखिए, बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलती है बाइक की तरफ और देखिए उसमें क्या क्या कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये रही मेरी बाइक थंडरबर्ड, आपको दिखाता हूँ इसमें क्या इशू है। देखिए अभी मुझे कोई सेल्फ का इशू नहीं है, बट आपको दिखाने के लिए मुझे ये करना ज़रूरी हो रहा है, वरना मेरी बाइक का सेल्फ आप देख सकते हैं यूँ स्टार्ट हो जाएगा, कोई आवाज़ नहीं कर रहा। बाइक स्टार्ट, देखिए बंद करूँगा, बिल्कुल सही स्टार्ट हो रही है। कितनी बारी मारूंगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक चीज आपको बता दूं, अगर मैं चाहूं इसको यूज़ कर सकता, जैसे मैंने बताया एक साल भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं किसी को और को दूं, जैसे आप नॉर्मल जो चलाता है वो इसका सेल्फ एक हफ्ते में ख़राब कर देगा, सेल्फ का वन वे बैरिंग। बताता हूँ कैसे, अगर आप सेल्फ का चाहते हैं इसकी लाइफ अच्छी रहे, तो आपको कभी भी स्टार्ट करनी विदाउट एक्सीलेटर स्टार्ट करनी है बाइक, और कोल्ड गाड़ी में कभी सेल्फ नहीं मारना। यहीं अगर मैं इसको हल्की सी रेस लूँगा, देखिए कैसे सेल्फ आवाज़ करेगा, देखा एक स्टार्ट हुई बाइक बट आवाज़ लेके अजीब सी, देखिए कच 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 की आवाज़ आई, उसके बाद स्टार्ट हुई। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी अगर आपको बाइक स्टार्ट करनी है सेल्फ से या किक से, विदाउट एक्सीलेटर स्टार्ट करनी है, कोल्ड गाड़ी के टाइम किक से स्टार्ट करते टाइम थोड़ा सा आप एक्सीलेटर ले सकते हैं, बट गर्म बाइक होने के बाद जब वार्म अप हो जाए उस टाइम पे आपको एक्सीलेटर नहीं लेना। आपने सुना होगा पुरानी बुलेट फेमस थी बैक मारने के लिए, जो लोग डरा करते थे कि भाई टांग तोड़ देगी, ऐसा कर देगी, वो कर देगी, दोस्तों वो होता था गलती पे अपनी, या तो बाइक सेट नहीं है, या आप अगर हल्का सा भी एक्सीलेटर कर देंगे तो वहाँ बाइक बैक मारेगी। सेम सब बाइकों में होता है, छोटी बाइकों में इसलिए एक्सीलेटर से कोई नहीं पड़ता क्योंकि उतना उसमें प्रेशर नहीं होता। उसको मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा आपको कवर खोलने के बाद। इसका मैं क्लच कवर खोलता हूँ, इसको एलएच कवर भी कहते हैं, लेफ्ट हैंड कवर। तो उसका कवर खोलते हैं क्योंकि इसका सेल्फ बैरिंग आवाज़ कर गया मैंने इतने मारे, तो अब ये ज़्यादा चलेगा नहीं। मैं इसका सेल्फ का बैरिंग डाल रहा हूँ, इसके लिए मुझे कवर खोलना पड़ेगा वन वे बैरिंग, और वो कितने का डाल रहा हूँ, क्या डाल रहा हूँ, वो सब बताऊँगा वीडियो में, बिना स्किप करे पूरे देखिएगा। अब क्लच कवर खोलते हैं, वीडियो की लेंथ लंबी करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्लच कवर खोल के टूल रख दिए सारे, क्लच कवर खोल के मैं आपको दिखाता हूँ अंदर क्या हुआ इसको। तो कवर खोल गया, बस मेन बोल्ट खोल रहा हूँ मैं, इसका बैरिंग निकालता हूँ। तो ये है हमारा इसका पूरा स्पार्क क्लच, मैंने कुछ सैंपल यहाँ रख रखे हैं, अभी दिखाऊंगा आपको क्या क्या है। तो ये हमारा स्पार्क क्लच, इसका बैरिंग कुछ खास ख़राब नहीं हुआ है, बट इसकी स्प्रिंग बहुत ढीली हो गई है, हम चाहें स्प्रिंग डाल के भी काम कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये बैरिंग ख़राब नहीं हुआ है, इसकी स्प्रिंग थोड़ी ढीली हो गई है और थोड़ी गोलियाँ घिस गई हैं। अब अगर ये बैरिंग लेते हैं हम, तो बैरिंग लेंगे तो उसके बाद वही है कि या तो 4700 रुपये लिस्ट MRP उस पर ओरिजिनल पे वो बाय करो, या इसका खाली रोलर बैरिंग लो ओरिजिनल, उस पर है 2000 रुपये के आसपास MRP, तो वो 2000 रुपये के आसपास डलता है। और या तो फिर जो ये लिए जो मैंने एक साल पहले वीडियो बनाई थी, ये वाली, ये वाइट डिब्बे में आता है, इसकी 450 रुपये की कीमत है और लेबर लगा के 750 रुपये के आसपास का पड़ता है ये, या तो आप वो लिए 2000 रुपये वाला, उसके बाद लेबर लगाएगा वो 2300 रुपये का पड़ेगा, ये वाला पड़ता है 750 के आसपास विद लेबर चार्ज, आप ये खाली लेंगे तो 400 रुपये के आसपास मिल जाएगा। तो इसमें चाहते स्प्रिंग डाल के कर सकते थे काम,
बट मैं ये चेंज ही कर रहा हूँ, सस्ती आइटम है ये। और एक चीज़ और बता दूँ, अब कई लोग बोलेंगे कि भाई हम भी यूज़ करें ये, हम कई लोग बोलेंगे भाई हमें भी यूज़ करना है ये, हम भी चाहते हैं लें। बट दोस्तों एक चीज़ बता दूँ, ये जब कामयाब है जब आपकी बाइक की गरारी कटी हुई ना हो, जब ही चलेगा, अदरवाइज़ ये भी काम नहीं करेगा। ये क्या 2000 वाला भी काम नहीं करेगा। गरारी कैसे नहीं कटी हुई हो, मैंने एक सैंपल रख रखा है यहाँ पे, आप ध्यान से देखिए इसके यहाँ पे गड्ढा आ गया है, तो ये काम नहीं करेगी। इसको डालेंगे एक हफ्ते के अंदर ख़राब हो जाएगा ये बैरिंग भी ये भी। तो आपको पूरी किट ही लेनी पड़ेगी, जिसकी वैल्यू है MRP 4700 रुपये, 4700 रुपये के आसपास है। और मेरी बाइक में बहुत हल्का सा निशान आया और ऐसी में बहुत अच्छा काम करेगा। देखिए इस पर बिल्कुल भी निशान नहीं, मैंने एक सैंपल आपको दिखाने के लिए निकाल रखा है, यहाँ बिल्कुल भी निशान नहीं है, ये बहुत अच्छा काम करेगा। और ये मैं फ़िलहाल अपने बाइक में डाल रहा हूँ, बढ़िया काम करेगा। 400 रुपये का बैरिंग है, लेबर लगा के पड़ता है ये 750 रुपये का। लेबर सबके अपने अलग है, कोई कितने ले रहा है, कोई कितने ले रहा है। अब ये जब लगाएंगे सर, काम ये है, देखें हमारा आउटर जो रिंग है ये किसी से, देखें ये फ्री है बिल्कुल, ये क्रैंक से कनेक्ट नहीं है, ये खाली सेल्फ से कनेक्ट है। और ये वाली जो हमारी गियर है ये है क्रैंक से कनेक्ट, जो क्रैंक की शाफ्ट आ रही है मेन शाफ्ट, वो इस ग्रूव में फंसती है। सेल्फ की मोटर हमारी इससे कनेक्ट, अभी आपको बाइक पे लगा के समझा दूंगा। सेल्फ ने क्या करा, सेल्फ ने घुमाया इंजन को, अब इंजन स्टार्ट हुआ उसके बाद ही घूमता रहता है, ठीक। यहाँ अगर आपकी गरारी कटी हुई है ये वाली, तो ये क्या करेगा, आपके ये वाला बैरिंग रुका हुआ है, ये घूमती रहेगी, रेगमाल की तरह काम करेगा ये, रेगमाल की तरह, सैंड पेपर जैसे कहते हैं उसकी तरह काम करेगा, और ये सारे रोलर काट देगा, तो एक हफ्ते के अंदर बैरिंग ख़राब हो जाएगा। तो आप ये लगाने से पहले ध्यान रखें कि गरारी आपकी बिल्कुल सही हो, ये एरिया बिल्कुल सही हो, तो ही कामयाब होगा ये क्या 2000 वाला भी। अदरवाइज़ आप कुछ मत करिए, किट डाल दीजिए। तो किट की वैल्यू जैसे मैंने बताई कि 4700 रुपये ओरिजिनल पे लिस्ट है, और आप चाहे आफ्टर मार्केट बहुत आ गए, 1000 रुपये का भी आ गया है, 1800 रुपये का भी आ गया, 2200 रुपये का भी आ गया है, 3000 रुपये का भी आ गया, तो वो भी चल जाते हैं, ऐसा नहीं है नहीं चलते। बट बिल्कुल सस्ते वाले मत लीजिए, क्योंकि क्या होगा, मतलब पूरी गरारी अगर 1000 रुपये में 1200 रुपये में दे रहे हैं तो क्या फ़ायदा उस चीज़ से, तो कोई फ़ायदा नहीं। आप लगा, अगर लोकल भी लगा तो कुछ ब्रांडेड लगाइए। और अब कई लोग बोलेंगे कि कहाँ से मिलेगा, कहाँ से बाय करूँ। दोस्तों इसका तो दिल्ली में तो अवेलेबल है ये, अब वहाँ कई लोग मेरे पास लास्ट वीडियो देख के भाई कहाँ मिलेगा, मैं यहाँ से हूँ। दोस्तों मैं तो अपने एरिया का बता सकता हूँ, दिल्ली में अवेलेबल है, अगर आप राउंड लगे तो आप दिल्ली से मंगा लीजिए, या कोई इसी का रिलेट भी रहे तो वो मंगा लीजिए। बाकी अब कुछ नहीं करते, इसको फिट करते हैं हम अपनी बाइक के अंदर, आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। आइए, मैं भी इसको डायरेक्ट लगाऊंगा। ये लगा दिया मैं आपको स्टार्ट करता हूँ बाइक को। दोस्तों ये चीज़ आप बिल्कुल भी ट्राई मत करेगा, यहाँ कुछ मैं आपको एक छोटी सी चीज़ करके दिखा रहा हूँ, इसको बिना कुछ करे इसको खोले में स्टार्ट कर रहा हूँ, बिना नट बोल्ट टाइट करे, आप इस चीज़ को बिल्कुल ट्राई मत करेगा। हम लोग इस चीज़ में, ये हमारा डेली का काम है, हम प्रोफेशनल कह सकते हैं इस काम को लेकर, तो हम कर सकते हैं, प्लीज़ आप इस चीज़ को मत ट्राई करेगा। आप तो भाई है ना करने के लिए, मैं कर रहा हूँ आप क्यों करेंगे। तो अब मैं कुछ नहीं कर रहा, इसको नट बिना लगाए, अब मैं अपनी टीम से बोलता हूँ सेल्फ मारिए, इसमें आपको ध्यान से देखना है कि स्टार्ट होएगी। देखिए बाइक स्टार्ट हो गई, बट सेल्फ का रुक गया हमारा, बाइक ऑफ करेंगे हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3 समझे दोस्तों, अब हमारे बीच की गरारी घूम रही है, ये मेन जो हमारा है ये गरारी का, ये घूम रहा है, दोबारा स्टार्ट करिए, ऑफ कर दिया। तो होप आप भाई कि इसका काम समझ गए होंगे, कैसे काम करता है ये, वन वे बैरिंग कहते हैं इसे, स्पार्क क्लच कहते हैं, वन वे बैरिंग कहते हैं, वन वे रोलर जिसका जो मनवाया कहते हैं, बेसिकली इस पूरी किट का नाम है स्पार्क क्लच, और खाली रोलर बैरिंग को कहते हैं वन वे बैरिंग। तो बस अब मैं आपको एग्जांपल दिखा चुका हूँ कहाँ से बाइक करना, ये सब कुछ अब डिटेल देता हूँ, बाइक को फिट करता हूँ। मुझे अपनी बाइक खुली भी ज़्यादा देर अच्छी नहीं लगती, दिली मोहब्बत है इस बाइक से, ज़्यादा देर मैं इसको खुला हुआ देख नहीं सकता, तो बस इसको फिट करते हैं। आपको मेरी बाइक का सेल्फ बिल्कुल सही था, बस आपको एग्जांपल देने के लिए मैंने ये जानपूछ के इसके अंदर आवाज़ लाया, एक्सीलेटर दे के स्टार्ट किया ताकि वो बैरिंग कट जाए, और वो युवा कट गया, वो ज़्यादा चलेगा नहीं, बट मुझे आपको दिखाना था, काफ़ी लोग परेशान होते हैं इस चीज़ को लेके। दोस्तों यहाँ एक चीज़ और छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा आपको, सॉरी आपका टाइम ख़राब कर रहा हूँ। ये मेरे पास कटी हुई गरारी है, बिल्कुल कटी हुई है, गड्ढा आया हुआ है, और ये मेरी बाइक का निकला हुआ बैरिंग है, ठीक है, ये इसका निकला है स्क्रैप, वो जो अभी निकाला आपके सामने, और ये भी कोई पुरानी गरारी ली, क्योंकि मैंने तो इसमें नया बैरिंग डाल दिया आपने देखा, वो ये वाला है जिसमें मैंने नया करा है।
बट आपको मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ, इसमें मैं पुराना फिट कर रहा हूँ, ये सही काम कर रहा है अभी। ठीक, अब मैं इसको लगा के दिखाता हूँ कि एक्सीलेटर से कितना नुकसान होता है। जो हम एक्सीलेटर लेके सेल्फ मारते हैं ना, रेस लेके, उससे क्या काम करता है। और बिना रेस के ये भी चल जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा, ये भी चलेगा। कैसे चलेगा मैं दिखाता हूँ आपको। टॉर्च ये मैंने लगा दिया, इसको दिखाने के लिए मैं इसका नट लगाऊंगा। फिलहाल आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ बस। ये दोस्तों मेरा काम है आपको पूरा प्रैक्टिकल में समझाने का, वो मैं समझा के रहूँगा। होप आप भाई तो अब तक समझ गए होंगे। मैं ये दिखा रहा हूँ कि एक्सीलेटर लेने से सेल्फ कितनी जल्दी नुकसान करता है, और एक्सीलेटर नहीं लेंगे तो उससे क्या क्या फ़ायदा है। ठीक दोस्तों, ये लगा दिया है मैंने बैरिंग। इसके अंदर मैंने रोलर बैरिंग वन वे वाला वो लगाया है जो मेरी बाइक का निकला हुआ था। गरारी मैंने अपने पास से स्क्रैप ली है। अब देखिए, अब मैं ऐसे सेल्फ मारूँगा, स्टार्ट हो रही है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अब यही अगर मैं इसको एक्सीलेटर लेके स्टार्ट करूं, देखिए देखिए कैसे आवाज़ आ रही है। एक्सीलेटर यहां से लग रहा है, आप देख सकते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा जब मैं रेस लूँगा ये ऊपर उठेगा। देखिए, अब मैंने एक्सीलेटर लिया और सेल्फ मार रहा हूं, देखिए स्टार्ट नहीं हो रही। और यहीं विदाउट एक्सीलेटर मारूंगा, स्टार्ट हो गई। तो दोस्तों फाइनली आप समझ गए होंगे कि एक्सीलेटर लेने पे कितना लोड पड़ता है। एक्सीलेटर लेने का अभी प्रैक्टिकल भी एक चीज़ और बताऊंगा मैं, छोटा सा एग्जांपल मैं आपको ये दिखा रहा हूं। अगर बैरिंग आपका ख़राब भी है, आपके रोलर भी ख़राब है, आपकी गरारी भी कटी हुई है, अगर आप विदाउट एक्सीलेटर सेल्फ मारेंगे ना तो आपका वो भी 3-4 महीने खेच जाएगा। तो इस चीज़ को दोस्तों दिल पे ले जाओ बस ये बात आप, कि मतलब कहते हैं ना दिल गुर्दे फेफड़े सब पे ले जाओ कि भाई हम एक्सीलेटर लेके स्टार्ट नहीं करेंगे, सेल्फ नहीं मारेंगे एक्सीलेटर लेके। तो बस दिल विल पे सब पे ले जाओ ये बात। आपको एग्जांपल दिखाना था, मैंने दिखा दिया, कटी हुई गरारी भी चल जाएगी, बिल्कुल ख़त्म गरारी लगाई दोस्तों, जिसमें गड्ढा था 2-3 mm का गड्ढा होगा वो भी लगा दिया। अगर आपने एक्सीलेटर नहीं देंगे तो वो उसने भी स्टार्ट करी, जहां मैंने हल्का सा एक्सीलेटर लिया कटाक टुक आवाज़ आ रही है। होप आप अब तक समझ होंगे। मैं जल्दी से जल्दी फिट कराता हूँ, ज़्यादा देर खुली हुई मैंने बताया नहीं देख सकता इसको, भाई इसमें फिट करो मेरी बाइक को जल्दी। तो दोस्तों बाइक कंप्लीट हो गई है, देख सकते हैं। और अब जब भी मैं स्टार्ट करूँगा इसको विदाउट एक्सीलेटर, इसके बारे में थोड़ी और डिटेल देता हूँ, सेल्फ के बारे में भी और कुछ बाइक के लेके भी। तो बस थोड़ा रात बहुत हो रही है, मैं जैसा आप जानते हैं रात को ही वीडियो शूट करता हूँ, रात बहुत हो रही है, खुलिया सही करता हूँ, बाहर चलते हैं, वहाँ चल के बात करते हैं। चलिए, तो दोस्तों देखा आपने कि कितना आसान है इसको करना, आपको मैंने सारा सही समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ इसको लेके आपको दोबारा इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कॉल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने अपनी तरफ से पूरा एंड समझा दिया है, ये भी बता दिया है कि दिल्ली में तो अवेलेबल है, बाकी जगह का मुझे पता नहीं। मेरे पास कई कॉल आती हैं तो मैं जानता हूँ कि आप लोग परेशान होते हैं, इसलिए कॉल करते हैं कि कॉल आती है भाई मैं यहाँ से हूँ तो मुझे यहाँ नहीं मिला। तो दोस्तों मुझे वहाँ के बारे में नहीं पता, मैं अपने दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली के बारे में पता है, करोल बाग में मिल जाएगा बहुत आसानी से। जैसे मैंने बताया कि एक्सीलेटर लेके सेल्फ नहीं मारना है, आप RPM उस हिसाब से सेट करिए ताकि आपको एक्सीलेटर लेने की ज़रूरत ना पड़े। 1000 RPM होना चाहिए, 1000 से ज़्यादा ऊपर भी ना हो ज़्यादा नीचे भी ना हो, मतलब 800 से लेके 1000 के बीच में आप रख दीजिए। अब बहुत सी गाड़ी में RPM है नहीं, तो बस दोस्तों उसमें अंदाजे से करना पड़ेगा, जो बाइक चलाता है उसको इतनी नॉलेज है कि कितना RPM सेट होना चाहिए। और आज आया हुआ था मैं बाइक लेके, अपने इंडिया गेट आया हुआ था राइड पे, ये वाली मेरी बाइक, जैसा आप जानते हैं कि मैंने ये वाली सुपर बाइक नहीं ली है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है या नहीं जानते कैसे ली, तो ऊपर यहाँ लिंक आया होगा, देखिए ना यहाँ से देखिए कैसे बाई करी मैंने, तो सब पता चल जाएगा आपको, इसकी डिलीवरी वगैरह सब कुछ। तो अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखना। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, इंतजार करिए मेरी नई वीडियोज़ का, मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियोज़ के साथ। जब तक बी सेफ, राइड सेफ, ड्राइव सेफ। अगर आपको चाहिए, मैं स्पेशल इसके ऊपर, हम लोग इस काम के प्रोफेशनल्स हैं इसलिए हम कर रहे हैं इसको, प्लीज़ आप ये सब ट्राई मत करिएगा क्योंकि हाथ वगैरह आपका फंस सकता है तो दिक्कत आएगी हमारा। ना कोई, अरे कोई बात नहीं। तो 450 रुपये के आसपास का मिल जाता है ये वाला, यहीं खोल यहीं। तो हमारा रॉयल एनफील्ड एक तो बात करेंगे, अगर आप इसको एक्सीलेटर लेके, भाई तेरी चप्पलें आ रही हैं यहाँ से भी,
और आपको एक स्लो मोशन में दिखाता हूँ। और आप इसकी गरारी बिल्कुल भी नहीं कटी है, देखिए गियर बिल्कुल भी नहीं कटा है। टॉर्च चला, इसका अब क्लच कवर खोल। इसका पुरानी बुलेट जो फेमस थी वो बैक मारने के लिए फेमस थी भाई, समझ। थोड़ा उसका जब वार्म अप हो जाए उसके बाद नहीं लेना सेल्फ। और जैसा मैंने बताया कि ठंडी बाइक में एक्सेलेटर लेके बिना देरी के वीडियो स्टार्ट। तो हेलो दोस्तों, दिस इज रमी राइडर फ्रॉम एनसीआर मोटरसाइकिल। दोस्तों आज की जो वीडियो है ये सेल्फ के ऊपर है।